रहा हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब तुम भी प्रयास करके देख लो वायु कुमार, यदि तुम पेड़ पर ना चढ़ पाए तो मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। मैं अवश्य इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ना इतना सरल नहीं है, तुम्हारे सब मित्र असफल हो चुके हैं। यदि तुम भी असफल हो जाओगे तो मैं यह समझूंगा कि तुम्हारे आश्रम में मात्र ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल और पराक्रम की तो कक्षा ही नहीं लगती। अपने आश्रम के नाम के लिए मैं इस पेड़ पे अभी चढ़ जाता हूँ। देखते हैं। इनका वास्तविक रूप देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो। हाँ वो वाला, वो मुझे दो। हाँ वायु कुमार मुझे दो। हाँ ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला। वो वाला। हाँ वो वाला। वो मुझे दो। और वो मुझे दो। हाँ पवन देव यही। देवर्षि नारद हमारे साथ रूप बदल कर खेलने आए हैं महाकट, इस समय शांत रहना ही उचित होगा। नारायण नारायण, अर्थात पवन देव की मूर्खता ने हमारे बनावटी रूपों को श्री गणेश की दृष्टि में उजागर कर ही दिया। वायु कुमार, मुझे वह ऊपर वाला फल फेंको। ये लो। अब तो आपको विश्वास हो गया ना श्री गणेश कि हमारी पाठशाला में बल और पराक्रम की शिक्षा भी दी जाती है। अब तो मुझे तुम सब पर कुछ अधिक ही विश्वास हो गया है। खेल तो तुम सबने आरंभ किया है, किंतु इसका परिणाम क्या होगा यह मैं ही जानता हूँ। सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। हम कुछ समझे नहीं देवऋषि। यदि आप सभी सच्चे मन से मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो स्वर्ग को दैत्यों के संकट और विपत्ति से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। क्या आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं? नहीं देवऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है। देवगण, ऐसी बात का भाव मैं नहीं आपका मुख बता रहा है। देवऋषि, आपकी कृपा से आराधना की शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु 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 क्या वरुण देव? देवऋषि, आराधना का सुफल बहुत लंबे समय के पश्चात मिलता है। उस समय तक स्वर्ग पर दुष्ट दैत्यों का संकट। आप भूल कर रहे हैं वरुण देव, आराधना से
शीघ्र सुफल प्रदान करने वाली औषधि इस संसार में कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण। देखिए, आप सबकी भावना को समझते हुए मैं आपको एक संकेत अवश्य दे सकता हूँ। कैसा संकेत देवऋषि? आप सब स्मरण करें, जब दैत्य माता अदिति की पुकार पर देवांतक और नरांतक ने तारकासुर के जन्म से पहले पृथ्वी और स्वर्ग पर उत्पात मचाया था, तब परमदेव श्री महागणेश ने उन्हें पाताल लोक में जाने को विवश कर दिया था। हमें परम देव की कृपा का भली भांति स्मरण है देवऋषि। नारायण नारायण। तब तो आपको ये भी स्मरण होगा कि परमदेव श्री महागणेश ने क्या भविष्यवाणी की थी। हमें उस भविष्यवाणी का भी स्मरण है देवऋषि। परमदेव श्री महागणेश ने कहा था, देवांतक और नरांतक का वध उनके महोत्कट अवतार के द्वारा ही होगा। तुम्हें इतना सब कुछ स्मरण है देवगण, परंतु ये ज्ञात नहीं कि परमदेव श्री महागणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार धारण कर चुके हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण। ये प्रश्न पूछकर आप मेरी सत्य निष्ठा का अपमान कर रहे हैं देवगण। क्षमा क्षमा देवऋषि क्षमा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जिनके विषय में चर्चा कर रहे थे वे अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो देवताओं, महोत्कट श्री गणेश अदिति आश्रम में अकेलेपन से उबकर वन में अपने साथियों की खोज में भटक रहे हैं। आपके देवराज इंद्र भविष्य के संकट को लेकर चिंतित और निराश है ना? हाँ देवऋषि। नारायण नारायण। तो आप सभी देवगण बाल रूप धारण कर महोत्कट श्री गणेश के समीप जाएं। बाल रूप के कारण महोत्कट से आपकी शीघ्र मित्रता हो जाएगी और आपका ही नहीं स्वर्ग का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा देवऋषि। आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात भी आप तीनों किस विचार में पड़ गए? देवऋषि, हम आपसे एक और विनती करना चाहते हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारी विनती को स्वीकार करें, आप भी हमारे साथ बाल रूप धारण कर लें। देवऋषि, बाल रूप धारण करके महोत्कट श्री गणेश के साथ खेलना भी वास्तव में सौभाग्य होगा। अब सोच विचार ना करें देवऋषि, हमारा मन महोत्कट के साथ खेलने को आतुर हो रहा है। नारायण नारायण। अपने मन में उठती हुई आतुरता को रोकना मेरे लिए भी अब असंभव है देवताओं। वास्तव में बाल रूप धारण कर महोत्कट के साथ खेलना परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। वो देखिए देवगण, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही बाल रूप धारण कर लेना चाहिए। नारायण नारायण। बालकों, वो देखो, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। यदि उन्होंने हमारे साथ खेलना स्वीकार न किया तो हम उन्हें चारों ओर से घेर कर खेलने के लिए विवश कर देंगे। ध्यान रहे, हमें उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है और उन्हें रुष्ट होने का अवसर नहीं देना। हाँ हाँ देवऋषि, हम ऐसा ही करेंगे। ना ही मैं देवऋषि हूँ, ना ही तुम देवता। हम सब मुनि कुमार हैं और आसपास के आश्रमों में रहते हैं। समझ गए ना? तब तो हमें अपना स्वर भी बदलना पड़ेगा। नारायण नारायण। मुझे तुम सब की मूर्खता देखकर हंसी आ रही है। जब बाल रूप धारण किया है तो बाल स्वर होना आवश्यक है ना? नहीं तो महोत्कट को संदेह हो जाएगा। परंतु हमारे नाम क्या होंगे? महोत्कट के यहाँ पहुँचने से पहले हमें अपने नाम भी बदल लेने चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ देवर्षि। आई नारद ही है ना आपका नाम? नहीं, मेरा नाम है ब्रह्मा कुमार।
तुम्हारा वायु कुमार, तुम्हारा अग्नि कुमार और तुम्हारा वरुण कुमार है। नारायण नारायण। ब्रह्म कुमार जी, अब यह नारायण नारायण का अलाप छोड़ दें। नारायण नारायण, इस नाम जप को तो मैं किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार जीवात्मा से अभिन्न है, उसी प्रकार नारद नारायण से अभिन्न है। नारायण नारायण। परंतु आपके नारायण नारायण से मोहतकट को संदेह हो गया तो? जो कारणों का भी कारण हो, उसे छुपाया तो नहीं जा सकता। तो फिर इस बाल लीला का उद्देश्य? नारायण नारायण, श्री महागणेश की लीला से ही हमारे मन में मोहतकट के साथ खेलने की इच्छा जागृत हुई है। जब तक उनकी इच्छा होगी, हम इस बाल लीला में रमे रहेंगे। प्रणाम अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश, हम चारों मुनि कुमार आपके साथ खेलने आए हैं। मुनि कुमार, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नारायण नारायण, आपका नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। इतनी छोटी सी आयु में आपने भयानक राक्षसों को पछाड़ कर रख दिया। हमारे आश्रम में आपके पराक्रम का सत्संग नित्य ही होता है। अदिति पुत्र, इन वन के आश्रमों में ही नहीं, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। कीर्ति तो आपकी भी कुछ कम प्रतीत नहीं होती। ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार नाम है मेरा। ये वायु कुमार, वो अग्नि कुमार और वो वरुण कुमार। हमने सुना है कि आप अपने आश्रम में अकेले हैं। आपके साथ खेलने वाला कोई भी बाल सखा नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें इसी कारण आपके समीप भेजा है कि हम आपके साथ खेल सके। महोत्कट, यदि आप हमें इस वन में ना मिलते तो हम देवी अदिति के आश्रम पहुंच जाते और उनसे विनती करते कि वे आपको हमारे साथ खेलने भेजे। मैं भी अकेला रहकर उदास था, अब तुम लोग आ गए हो ना तो मेरी उदासी दूर हो गई है। परंतु परंतु क्या महोत्कट? न जाने क्यों, आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बालक हैं। ऐसा क्या है मुझ में? क्या मैं अपनी आयु से अधिक दिखाई देता हूँ? लगते तो आप अपनी आयु से कम ही हैं। परंतु इतनी छोटी सी आयु में आपने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है, यही मेरे आश्चर्य का कारण है। नारायण नारायण, महोत्कट श्री गणेश, जिस आश्रम में मेरा जन्म हुआ है वहाँ प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना होती है। उस आराधना के समय मैं वीणा और खड़ताल बजाता हूँ, जो सभी को प्रिय लगती है। इसीलिए मैंने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। आप धन्य है ब्रह्म कुमार, अब तो मेरे मन में भी संगीत में महागणेश की आराधना सुनने की इच्छा हो रही है। खेलने से पहले हम आपके संगीत में आराधना सुनना चाहेंगे, क्या आप मुझे सुनाएंगे? मित्र के मध्य लज्जित होना उचित नहीं है। यदि तुम संगीत में आराधना सुनाने में लज्जा का अनुभव कर रहे हो तो लाइए अपनी वीणा, मुझे दीजिए, मैं आपको संगीत में महागणेश आराधना सुनाता हूँ। अवश्य अवश्य, आपसे संगीत में आराधना सुनना हम सबका सौभाग्य होगा। Mm-hmm.
आप धन्य है महोत्कट श्री गणेश और धन्य है आपकी भक्ति। दिन रात वीणा और खड़ताल के साथ रहने वाला मैं ब्रह्म कुमार इतनी सुंदर और मनमोहक संगीत में आराधना नहीं कर सका। अब तो मुझे भी पिताश्री से कहना पड़ेगा कि मुझे वीणा और खड़ताल ला कर दे। अब चलो चलकर खेलते हैं। क्या खेलेंगे यह तो बताइए अदिति कुमार। लुका छुपी का खेल मुझे अच्छा नहीं लगता। भाग कर पकड़ने वाले खेल में निर्बल बालक हार जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई नया खेल खेले। गेंद से खेलें? नहीं, पहले गिल्ली डंडा खेलेंगे, गेंद का खेल उसके पश्चात खेलेंगे। चलो ठीक है। ठीक है। श्री गणेश, गिल्ली डंडा कहाँ है? ये रहा, ये लो। आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं अदिति पुत्र। नहीं नहीं ब्रह्म कुमार, मैंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वायु में इतनी ऊंची उड़ान भरना क्या दिव्य शक्ति के बिना संभव है? आप जैसे दिव्य शक्ति का नाम दे रहे हैं ब्रह्म कुमार, वह वास्तव में मेरा वही पराक्रम है जिसकी चर्चा आपके आश्रमों में होती है। कैसे निकालेंगे? जानते हो मेरी गिल्ली पेड़ में कैसे अटक गई? हम तो नहीं जानते महोत्कट, आप ही बताइए कि गिल्ली पेड़ में किस प्रकार अटक गई? आप देखते नहीं ब्रह्म कुमार, इस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। जो भी पेड़ पर गिल्ली लेने जाएगा वह मीठे मीठे फल को नीचे गिराएगा जिसे हम सब खाएंगे और वह भी खाएगा। मैं चढ़ता हूँ। मैं चढ़ता हूँ। Oh, 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 oh,
श्री नारद हमारे साथ रूप बदल कर खेलने आए हैं महाकट। इस समय शांत रहना ही उचित होगा। नारायण नारायण, अर्थात पवन देव की मूर्खता ने हमारे बनावटी रूपों को श्री गणेश की दृष्टि में उजागर कर ही दिया। वायु कुमार, मुझे वह ऊपर वाला फल फेंको। ये लो। अब तो आपको विश्वास हो गया ना श्री गणेश कि हमारी पाठशाला में बल और पराक्रम की शिक्षा भी दी जाती है। अब तो मुझे तुम सब पर कुछ अधिक ही विश्वास हो गया है। खेल तो तुम सबने आरंभ किया है, किंतु इसका परिणाम क्या होगा यह मैं ही जानता हूँ।